दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिसका मैसेंजर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है इंस्टाग्राम पर, जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, इनके अकाउंट पर भी जो मैसेंजर है वो अभी तक अप टू डेट नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पर ओल्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से आप इस फीचर्स को अनेबल कर सकते हो, क्योंकि इस फीचर्स के अनेबल होने से काफ़ी सारे फीचर्स एक साथ अनेबल हो जाते हैं इंस्टाग्राम पर। लेकिन अगर ये फीचर्स अनेबल नहीं हुआ है तो काफ़ी सारे फीचर्स होंगे जिसका यूज़ भी अभी तक आप नहीं कर पा रहे होंगे इंस्टाग्राम पर। तो इस फीचर्स को किस तरीके से अनेबल करना है ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये बता दूं कि अभी तक आप बैले हो। जब बेइज्जती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये फीचर्स अनेबल नहीं हुआ है तो आप वाकई में बैले हो। यहाँ पर देखो, अगर ये फीचर्स को आपने अनेबल करना है तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपका अकाउंट एक प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पर आपने देखा वो आपके अकाउंट पर दिखना चाहिए। उसको आप किस तरीके से अनेबल करोगे, उस पर आप पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आने के बाद ये फीचर्स यहाँ पर अनेबल होना चाहिए। क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल का ऑप्शन आप अपने अकाउंट पर चेक कर लेना, ये फीचर्स आप में शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ये फीचर्स अनेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है भाई, आपका अकाउंट जो है वो पब्लिक होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो कि अकाउंट प्राइवेसी में भी पब्लिक होना चाहिए, ये नहीं कि वो वहाँ पे प्राइवेट हो। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने करनी है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर हेल्प पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट या प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद दोबारा से रिपोर्ट या प्रॉब्लम पर क्लिक करना और यहाँ पर इंक्लूड कर देना। अब यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसे आपने हटा देना है, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर देखो, एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने क्लिक करना और अपने होम पेज पे जाना। प्रोफाइल के होम पेज पे आओगे कुछ इस तरीके से, और इस वाले होम पेज का स्क्रीनशॉट आपने लेना है जहाँ पर ओल्ड मैसेंजर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाले चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना, कैमरे पर क्लिक करोगे, ये वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने लिखनी है। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि भाई आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपने सारी चीज़ें कर ली है, सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, उसके बाद भी आप में ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई यहाँ से। इसके बाद आपको अपना जो अकाउंट है ना, एक बार लॉग आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर अपने अकाउंट को यहाँ से लॉग आउट कर लेना। अगर पासवर्ड सेव ना हो तो सेव कर लेना, सेव लॉग इन इन्फो पे क्लिक कर, ताकि दोबारा से आपसे पासवर्ड ना मांगे। उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐप पर हल्का सा प्रेस रखोगे, ऐप इन्फो में जाओगे और उसका आपने कैशे जो है वो क्लियर कर लेना है स्टोरेज में जाकर। यहाँ पर देखो, स्टोरेज में आएंगे, उसके बाद यहाँ पर कैसे क्लियर करना, क्लियर डेटा नहीं करना, अदरवाइज जो आपने सेव में रखा होगा ड्राफ्ट वगैरह वो सब डिलीट हो जाएगा। तो आपको अपना कैसे ही क्लियर करना है। इसके बाद आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है या फिर ऐप स्टोर में जाओगे, वहां से जाकर अपने इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना कुछ इस तरीके से, और चेक करना कि कोई अपडेट तो नहीं मांग रहा। अगर अपडेट मांग रहा है तो उसे अपडेट कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका यहाँ जो दिखा है ना फीडबैक भी यहाँ पर दे देना है आपको, और फीडबैक में भी अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप देखोगे दूसरों ने भी, काफ़ी सारे लोगों ने भी यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की है, और उसके बाद ही उसका अकाउंट में ये प्रॉब्लम फिक्स हुई है। तो आपको भी यहाँ पर इसके पहले तो ये दे देना, स्टार दे देना, 4 स्टार दे सकते हो या फिर 5 स्टार भी दोगे तो वो भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ें लिखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखने के बाद अपने इसे सबमिट कर देना है। फीडबैक देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो यार काफ़ी सारे लोग फीडबैक नहीं देते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एप्लीकेशन डेवलपर को फीडबैक दो कि भाई ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, ये प्रॉब्लम आपके विद इन मिनट में या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि विद इन 24 आवर्स में फिक्स हो जाती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, बेहद आसान सी यह प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। बस इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैसेंजर भी अप टू डेट हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पहली बार अगर चैनल पे आया हो तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।